आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। रामायण में श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त करने के लिए जिस संजीवनी बूटी की तलाश राम भक्त हनुमान की उत्तराखंड में हिमालय में पूरी हुई, आज उसी देवभूमि से ही एक बार फिर से विश्व कल्याण के लिए कोरोना दवा की आस जगी है। जैसा कि अलग अलग शोधों में समय समय पर सामने आता रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में औषधियों की भरमार है, बस जरूरत है तो उन्हें खोजने की। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक महामारी कोरोना की, जिसे जूझ रहे विश्व को जिस दवा की जरूरत है वो देवभूमि के देहरादून में बन रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति पीएम मोदी की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, दवा के लिए अनुरोध कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना से जंग के लिए जिस दवा की है पूरी दुनिया को जरूरत, वो देहरादून में हो रही है तैयार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना वायरस इस वक्त सबसे ज्यादा अमेरिका में अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई का निर्यात फिर से शुरू करने की मांग की थी, जिसे भारत सरकार ने मान लिया। ये दवाई देहरादून के सेलाकुई में तैयार हो रही है। कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार की तैयारियों की तारीफ न केवल WHO कर रहा है, बल्कि विश्व के कई देश भी भारत से मदद मांग रहे हैं। इसका हालिया प्रमाण तब मिला जब विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भी भारत से कोरोना वायरस में कारगर दवाई की डिमांड की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दवाई का उत्पादन भारी मात्रा में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सेलाकुई स्थित सिडकुल में हो रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कारगर दो दवाइयां हैं, जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और कोलोगीन फॉस्फेट लेरियागो टैबलेट है। हालांकि लॉकडाउन के चलते देश की तमाम फैक्ट्रियां बंद है। जैसे ही देश को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और कोलोगीन फॉस्फेट लेरियागो टैबलेट की अधिक जरूरत हुई, वैसे ही इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों को काम फिर से शुरू करने के आदेश जारी हो चुके हैं। इनमें एक कंपनी इप्का का देहरादून के सेलाकुई में प्लांट है, जहां हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और कोलोगीन फॉस्फेट लेरियागो टैबलेट बनती है, लिहाजा तुरंत इस कंपनी को खोला गया। यहां दिन रात बन रही है इप्का दवाई। कंपनी प्लांट के हेड गोविंद बजाज की माने तो प्लांट को खोलने में वर्कर की काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन देहरादून पुलिस का सहयोग सभी वर्करों को मिला है। उनके आने जाने की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। इस वक्त देश की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी के कर्मचारी दिन रात यानी 24-24 घंटे शिफ्ट में काम कर रहे हैं। फिलहाल डिमांड को देखते हुए 300 कर्मचारी से काम लिया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से बढ़ाया उत्पादन। इप्का देहरादून के अलावा अपने सिक्किम स्थित प्लांट में भी इस दवाई का उत्पादन दिन रात कर रही है। प्लांट हेड गोविंद बजाज का कहना है कि संकट की घड़ी में सबसे पहले वो देश की जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही है। बजाज ने बताया कि पहले कोलोगीन फॉस्फेट लेरियागो टैबलेट का उत्पादन हर महीने लगभग 2 करोड़ टैबलेट का किया जा रहा था, लेकिन इस महीने जरूरत के साथ इसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हर महीने 1.5 करोड़ टैबलेट बन रही थी, लेकिन अब इसका उत्पादन 2.5 करोड़ किया गया है, जिसे जरूरत के हिसाब से और बढ़ाया जाएगा। देहरादून से पहाड़ टीवी के लिए सुदीप जैन की रिपोर्ट। नमस्कार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय अनुसार इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड भी COVID-19 महामारी के चलते आवश्यक मेडिसिन का उत्पादन निरंतर कर रही है। हमारे देहरादून सेलाकुई प्लांट में क्लोरोक्वीन फॉस्फेट टैबलेट लेरियागो तथा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन फॉस्फेट टैबलेट SCQS का उत्पादन सिक्किम प्लांट में दिन रात हो रहा है। हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रेमचंद जी गोदा जी ने समस्त इप्का कर्मचारी को प्रोत्साहित किया है कि संकट की इस घड़ी के दौर में इप्का को आवश्यक क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई करनी है। हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले हमें अपने देश की जरूरत को पूरा करके भारत सरकार के आदेशों अनुसार विश्व की मांग को भी पूरा करने के लिए हम निरंतर काम करते रहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने भी इस महामारी के संकट में हमारा उत्पादन निरंतर रहे इसके लिए हर स्तर पर सहयोग किया है। उत्तराखंड के DM साहब, ड्रग कंट्रोलर साहब, SP साहब, सेलाकुई थाना अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारीगण ने हमें निरंतर उत्पादन करने के लिए सभी आवश्यक सहमति व आने जाने हेतु पासेज दिए हैं। हम इप्का परिवार की ओर से कमिटमेंट करते हैं कि संकट की इस घड़ी में गुणवत्ता मेडिसिन की सप्लाई निरंतर करते रहेंगे। हमें आशा है सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करके हम सब इस महामारी से जल्दी ही मुक्त होंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए आपने हमारी ये खास रिपोर्ट। अब उत्तराखंड से होगा कोरोना का इलाज। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।